हेलो फ्रेंड्स, एम्ब्रेस द वुमन विद इन के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी या किशोरावस्था। प्यूबर्टी एक ऐसा फेज जिसमें हमारे भीतर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं। ऐसा फेज जहाँ पर हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होते हैं, हम बहुत सारे सपने भी देखते हैं, हमारे बड़े बड़े आइडियल्स भी होते हैं और हम कन्फ्यूज भी रहते हैं। इसीलिए तो प्यूबर्टी को लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। तो आइए आज प्यूबर्टी के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं हमारे इस सेशन में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आपके फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एम्ब्रेस द वुमन विद इन। दोनों हाथों को जोड़ दे, नमस्ते मुद्रा बना के हृदय के पास रख दे और कमर गर्दन को बिल्कुल ही सीधा कर दे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। महसूस करें कि आप चारों तरफ दिव्य सफेद रोशनी से घिरे हुए हैं। यही रोशनी आपके शरीर से आर पार भी पसार हो रही है। आपके शरीर के आसपास और आर पार इस दिव्य प्रकाश को महसूस करें और इसी एहसास के साथ जो भी चैंट हो रहा है वो श्रद्धा से सुनेंगे। नमामि धन्वं तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मम् लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमेशं विभेदौषधीनां। नमामि धन्वं तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमेशं विभेदौषधीनां। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमेशं विभेदौषधीनां। आंखें बंद ही रखें एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने दोनों हाथ घुटन पे रख दें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। जब भी आपको ठीक लगे तब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो प्यूबर्टी
पुबर्टल एज है, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, कि जब बच्चे मतलब एक लड़की बच्चे से लड़की कहलाना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये लड़की कहलाना शुरू कब होती है? जब उसके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, तब तक वो बच्ची है, और माँ तब से बोलते हैं जब से पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं कि अब तू बड़ी हो गई। तो पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, गैजेट्स की वजह से, अब सभी लड़कियों को ये तो पता है, हमारे जैसा नहीं है शायद दीदी, हमारी जनरेशन में हमको कुछ पता ही नहीं था, जब पीरियड्स आते थे तब पता चलता था, जी बिल्कुल राइट। अभी मोस्टली सभी लड़कियों को पता है, क्योंकि अब तो स्कूल में भी इसके बारे में एजुकेशन दिया जाता है, हाँ जी राइट, और फ्रेंड सर्कल्स डिस्कशन, उसकी वजह से सबको पता है कि इस एज में पीरियड्स आते हैं, राइट। लेकिन एक देखा है मैंने कि कई लड़कियों को लेट आते हैं, कई लड़कियों को जल्दी आते हैं। तो क्या देखा है कि अगर जल्दी आ जाता है, सपोज 10 इयर्स या 11 इयर्स की लड़की है और उसको पीरियड्स आ गए, तो ये लोग उसको बुरा मानते हैं कि इतनी छोटी लड़की को कैसे पीरियड्स आ गए, राइट। तो ये मैंने अक्सर देखा है, और मतलब ये लोग मानते हैं कि पीरियड्स जल्दी आना दैट इज नॉट गुड थिंग, और यही रिएक्शन लड़की के सामने देते हैं। जब लड़की बोलती है कि ऐसे पीरियड स्टार्ट हुए, तो मदर बोलते हैं इतनी जल्दी कैसे तेरे को पीरियड्स आते, राइट। तो ये जो है ना आपका ये सेंटेंस, वो उसके जो उसका जो माइंड है, उसके इमोशंस है ना, उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी माताएं बैठी है, मैं उसको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी पहले से ही अपने देखो, उनको बाहर से पता चलेगा ही, उसकी फ्रेंड से या तो उसके कलीग से, लेकिन सबसे हेल्दी क्या होता है पता है? एक माँ लड़की को बताए उसकी एज होने पे कि अभी पीरियड्स आए नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेरी बेटी 10 साल या 11 साल की हो गई है, अभी मुझे लगता है 10 साल में ही बता देना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसे पीरियड्स आते हैं। जब माँ ये बताती है ना, देखो लड़की को पीरियड्स आना शुरू होता है ना, तो वो माँ को बताने में बहुत दिक्कत फील करती है। मैंने बोलती कि सभी घरों में ऐसा है, जिसका मतलब कनेक्शन कम है, इमोशनल कनेक्शन कम है मदर के साथ, उसके साथ ये होता है, और इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, राइट। तो पहली बात कि माँ को उस आप डोंट टेक इट एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड कि लड़की आजकल की लड़कियों को सब पता ही होता है, हमको नहीं पता उसको किस एंगल से पता है, कितना हेल्दी पता है, लोगों ने उसको किस वर्ड्स में बताया है, राइट। तो आप अपने खुद उसको बताएं कि ये क्या है, और उसके लिए आपको खुद का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अभी क्या होता है कि हम लोग ही मानते हैं कि कुछ गलत है, हम ही उसको एक रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं, तो लड़की को हम ऐसे ही बताते कि देखो ऐसे पीरियड्स आते हैं, और आगे के सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब पीरियड्स आते हैं तो पेन होता है, ब्लीडिंग होता है, तब कहीं पे भी छूना नहीं है, तब बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, राइट। तो जो फर्स्ट उसको एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो भी एक नेगेटिव दिया, तो लड़की जब सोचती है ना कि पीरियड्स आएंगे, तो एक डरावना स्वरूप उसको दे दिया, और उसको क्या बताया कि पीरियड्स इज समथिंग लाइक हर्डलिंग योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में एक हर्डल है, राइट। तो दो तरीके से देखो ये प्रेजेंट होता है, और जो भी बेटियां यहाँ पे सुन रहे हैं ना, वो भी ध्यान से सुने कि चाहे आप तो यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कोई कुछ भी बताए, एक चीज हमेशा ही याद रखना कि पीरियड्स आना इज अ सेलिब्रेशन ऑफ योर लाइफ, द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ योर लाइफ, राइट। क्यों? और इसीलिए कई प्रांतों में जब फर्स्ट पीरियड आते हैं ना, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपने गोद भराई होती है, जैसे सब अलग अलग रस्में होती है ना, ऐसे लड़की की ये फर्स्ट पीरियड्स को सेलिब्रेट करते हैं कि ये लड़की मातृत्व के लिए पूर्ण स्त्रीत्व की हकदार बन गई आज से, ठीक है। तो ये पीरियड्स आना दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अवर लाइफ, कि भगवान ने हमको स्त्री बनाया है, और ये स्त्रीत्व तभी कंप्लीट होता है जब हमारे पीरियड्स आते हैं, और अब आपके प्री पीरियड्स आ गए, नाउ यू आर द वेरी क्लोज पार्ट ऑफ नेचर, कि मदर नेचर ने आपको भी उसके इक्वल बना दिया, आपको भी क्रिएटिविटी का लाइसेंस दे दिया कि नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई क्रिएटिविटी। देखो
जो मदर नेचर है वो बहुत कुछ क्रिएट करती है और हम भी एक नया सर्जन कर सकते हैं, एक बच्चे का सर्जन कर सकते हैं। तो जब पीरियड्स आते हैं रिस्पेक्ट इट, और थैंक्स टू गॉड कि आपकी सभी सिस्टम नॉर्मल है और आज आप कुदरत के साथ जुड़ गए हैं, उसकी सृजनात्मकता का आप एक हिस्सा बन गए। आज से आप कुदरत को मदद कर सकते हैं इस दुनिया को और सुंदर बनाने। तो यही नजरिया हर एक बेटी का और हर एक माँ का होना चाहिए कि उसको सेलिब्रेट करो, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। आपको नहीं, आपको सबको पता है, शायद बेटियों को नहीं पता लेकिन सब मदर्स को ही पता है कि अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, अगर पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर आते हैं और उसकी उसको कितनी दिक्कत होती है। देखो सब मान लेते हैं कि आपकी बेटी 15 साल की होगी, 18 साल की होगी, पीरियड्स नहीं आए, देखो उस बेटी की लाइफ क्या होगी, उसके साथ शादी कौन करेगा, अगर शादी करेगा तो उसके बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि ये सब मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब नाउ यू आर कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीरियड्स के प्रति अपना जो एंगल है ना उसको चेंज करो, उसको रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी बेटी रिस्पेक्ट करेगी, अगर आप ही उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद देख लो, आप जो भी बड़े लोग अभी सुन रहे हैं ना फीमेल्स, खुद देखो कि आपने आपके पीरियड्स को कैसे लिया था, उसको एक पॉजिटिवली लिया था या नेगेटिवली लिया था। तो अगर आप पॉजिटिवली आपने नहीं लिया तो आपको भी लेना चाहिए, इसीलिए बोला था प्यूबर्टी इज अ डोर ऑफ मदरहुड एंड मेनोपोज। देखो अगर मेरे पीरियड्स आते हैं और मैं उसको लेती हूँ कि अरे बाप रे, या 5 दिन ब्लीडिंग होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, लेग क्रैम्प्स होंगे, ये मेरे साथ ही क्यों, ये देखो ना भैया कैसे खेल रहा है, उसके साथ क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कैसा जीवन है अपना, ये कैसे हर महीने ये चालू, हर दीदी ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हर महीने ये आके खड़े रह जाते। ओके दैट मींस यू आर रेजिस्टिंग, हाँ जी आपका जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसको आप रेजिस्ट करते हो, और जी जो मदर का जो भी एंगल होगा ना वो लड़की में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके और देखो हम तो काफी एज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब लड़की इसको नेगेटिवली लेती है कि बहुत सारा ब्लीडिंग होगा, मुझे पेन होगा और मेरा सब काम अटक जाएगा और मैं खेल कूद नहीं सकती, या तो ये पेन की वजह से मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, राइट, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल ब्यूटीफुल फिनोमेना हो रहा है उसको वो रेजिस्ट कर रही, और ओके जितना उसको रेजिस्ट करती है ना उतना उसके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते जाते, समझ में आ रहा है। जी मतलब इसका सीड्स प्यूबर्टी पे ही डल चुके होते हैं। यस, प्यूबर्टी से ही इसके जो हम आज जो फेस कर रहे हैं ना दीदी, बहुत सारे एक्सपर्ट से इसके बारे में मेरे साथ मेरे मैंने डिस्कशन किया है, सबका यही कहना है कि इनिश मतलब जो भी हार्मोन सिस्टम है, देखो हार्मोनल सिस्टम मैच्योर होना ही अभी शुरू कर दिया जी है, और अगर उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, देखो इच एंड एवरी सेल हैज ब्रेन, अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो नाउ रिसर्च हैज प्रूव कि अपने शरीर के हर एक कोष को अपना दिमाग जी है, तो आप जो भी बोलते हो ना वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो सब अलादीन के चिराग, वो अलादीन के जीन जैसे कि ओके आप जो भी बोलो जो हुक्म। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो ना कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हर महीने आके खड़े रह जाते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मेरा सब शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, जी ठीक है, बॉडी के सेल ने क्या मैसेज लिया, इसको ये पसंद नहीं है, इसको बंद करो, राइट, तो उसके लिए जो हॉर्मोन्स थे कि जो ये हेल्दी पीरियड्स दे रहे थे, तो उस हॉर्मोन्स ने सिक्रिट होना बंद कर दिया, ओके और जब वो हॉर्मोन सिक्रिट होना बंद होते या तो कम हो जाते तो पूरा अपना जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हायर पावर हम सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाँ जी ठीक है, तो उनको मतलब इनको ये पसंद नहीं है, ये मत करो उसके साथ, तो पिट्यूटरी ने अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर लिया, तो पिट्यूटरी तो सभी ग्लैंड्स को हैंडल करती है, थायराइड जी को भी, पैनक्रियास को भी, एड्रिनल ग्लैंड को भी, ठीक है, तो सबके जो हॉर्मोन्स है ना उसने लड़की ने खुद उसको रेजिस्ट कर दिया, ओके राइट, तो उसकी, और फिर देखो इनिशियली
इतने पीरियड्स के इश्यू होते नहीं है, धीरे धीरे इश्यू बढ़ते जाते हैं। जी क्यों बढ़ते जाते हैं? लड़की ने खुद ने उसको रेजिस्ट किया, उसके सिस्टम को ऐसे ही मैसेजेस दिए कि दैट इज वेरी पेनफुल, आई डोंट वांट दिस, भगवान ने मुझे लड़की बनाया ही क्यों? ठीक है, यहां तक कि क्या होता है कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया ही क्यों? अगर आप फ्रेंकली शेयर करेंगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को कभी ना कभी ये विचार आया है कि शायद भगवान ने मुझे लड़की की जगह लड़का बनाया होता तो कितना अच्छा होता, फ्रेंकली ऑनेस्टली, तो आगे का आप कोरिलेट कर पाएंगे। कितने लोगों को बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी ये विचार आया है कि काश भगवान ने मुझे भी लड़का बनाया होता। अब देखो होता क्या है, आज जो बेटियां बैठी है ना, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं पर्सनली मानती हूँ और सब भी मानते हैं कि पुरुष का अवतार मिलना अच्छी बात है, लेकिन एक स्त्री का अवतार मिलना सौभाग्य की बात है, राइट? तो नसीबदारों को स्त्री का अवतार मिलता है, जो नसीब वाले आत्मा है उसको स्त्री का शरीर मिलता है, क्योंकि पूरी सृष्टि एक स्त्री से ही चलती है। बोलते हैं ना कि देवी शक्ति है, अगर शक्ति नहीं है ना तो शिव भी काम नहीं कर सकते, राइट? तो आप देखो महसूस कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि आप आपके हस्बैंड से पूछना, या तो आप फील करेंगे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या तो आपका मूड ठीक नहीं है, या तो आपका उसके साथ झगड़ा हुआ है, तो वो क्या महसूस करते हैं? या कई बार आप लोगों ने आपके हस्बैंड से सुना होगा कि अगर तू ठीक है, तू हंसती है ना, तो मुझे सब कुछ ठीक है। और आप खुद इमेजिन करो कि अगर घर में माँ है, अगर माँ दुखी है, तो आप देखो पूरा घर कैसा हो जाएगा, बच्चे, हस्बैंड, मतलब फादर। देखो माँ अगर दुखी है तो उसके साथ पूरा घर दुखी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो स्त्री जैसे घर के सेंटर में है ना, वैसे ही पूरी सृष्टि के सेंटर में भी नारी ही है, स्त्री ही है, राइट? तो आप जब बोलते हो ना कि काश भगवान ने हमें लड़का बनाया होता, तो आप आपके बॉडी को क्या मैसेज दे रहे हो कि मुझे लड़की नहीं, मुझे लड़का बनना है। जी। तो अब आपका बॉडी क्या करेगा, लड़कों वाला, लड़की के हॉर्मोन्स को सप्रेस करेगा, लड़कों वाले हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने की कोशिश करेगा, राइट? अब क्या होता है, कई लड़कियों को आप देखेंगे कि वो खुद के फेमिनाइन हॉर्मोन्स को रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि उसको लड़की बनना पसंद नहीं है। जी। तो अब क्या होगा कि वो हॉर्मोन्स कम हो रहे लड़की वाले, तो इन लड़कियों में आपको क्या दिखेगा कि हेयर ग्रोथ होते हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ चिन पे, फेस पे, ठीक है, अपर लिप्स पे, जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, एक चीज ये हुई। दूसरा कि जो फेमिनाइन हॉर्मोन्स है ना, वो ब्यूटी को निखारता है, मतलब अपनी स्किन को चमकाता है, अपने को ब्यूटी देता है, राइट, अच्छे से ग्रोथ देता है। तो अब आपने रेजिस्ट किया फेमिनाइन हॉर्मोन्स को, तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लैक, डल और थिक, जैसे मेल की होती है। ओके। पुरुष की जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, अपनी बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। जी राइट। और लड़कों को कभी ब्यूटीफुल नहीं बोलते, लड़कियों को ब्यूटीफुल बोलते हैं। हाँ जी राइट। तो ये ब्यूटी कहाँ से आती है, फेमिनाइन हॉर्मोन से आती है, ठीक है। अब जब आपने खुद के अस्तित्व को रेजिस्ट करना शुरू किया, आपके बॉडी ने उसके अस्तित्व के जो हॉर्मोन से उसको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर क्या आएगा, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आएगा, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी, ब्लैक और डल हो जाएगी, उससे क्या होगा, और आपको कॉम्प्लेक्स फील होगा कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स से अगेन आप स्ट्रेस में रहेंगे, डर में रहेंगे कि मैं तो ब्लैक हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो, मेरा अपमान कर दिया तो, मुझे वो इग्नोर कर दिया तो, राइट? तो ये जब आप डर में आ जाते हैं, तो अगेन डर के कारण आपकी सभी सिस्टम श्रिंक हो जाती है। तो सिर्फ हार्मोन श्रिंक नहीं हुए, आपके हार्ट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सब भी डिस्टर्ब हो गए, राइट? तो इसीलिए टीनेज की जो इश्यू है ना, वो एलोपैथी साइंस से ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो मोस्टली इमोशनल इश्यूज होते हैं, पैथोलॉजी बहुत ही रेयर होती है।
12 to 22 इयर्स के बीच में पैथोलॉजी बहुत रेयर होती है। ये जो बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करने के कारण, ये सारे इमोशनल और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण फीमेल में मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो क्या होता है, लड़कियां कंपैरिजन करती है कि देखो 10th क्लास है सपोज, जी राइट, तो दो मतलब फ्रेंड है, तो उसको लगता है कि देखो इसका चेस्ट का पार्ट तो अच्छे से ग्रो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। यहां से भी कॉम्प्लेक्स आता है। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। दीदी, मैंने आपको बोला था कि हम स्कूल में जाते हैं ये लड़कियों के साथ बात करने, जी राइट? तो क्या हुआ, मैं ये सब एक्सप्लेन कर रही थी लड़कियों को, राइट? तो एक लड़की चक्कर खाके गिर गई, सुनते सुनते चक्कर खाके गिर गई। तो मुझे लगा कुछ ग्लूकोज ग्लूकोज कम होता होगा। तो उसकी फ्रेंड बोली कि लास्ट टाइम है ना आंटी, जो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम पे बात करने एक मैडम आए थे ना, तभी इसको चक्कर आए। और ओह तब मेरी झपकी कि रिप्रोडक्शन में चक्कर आए और आज ये अगेन मैं ये साइकिल की बात कर रही हूँ, तब उसको चक्कर आए। मतलब कुछ तो गड़बड़ उसके साथ है। ओके उसके बाद मैं रुक गई स्कूल में, वो लड़की ठीक हुई। उसके बाद मैंने अकेले में उससे बात किया, तो वो मुझसे शेयर करती है दीदी कि मेरे पीरियड्स स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, ओके राइट, लेकिन अभी मेरे पीरियड्स 2 महीने से नहीं आए हैं। ओके तो फिर धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में रही, उससे डिटेल में बात करती रही, और तब उसने बताया कि मेरी क्लासमेट जो सब कोई है ना, वो पीरियड्स आने के बाद एकदम वो फेमिनाइन शेप पकड़ रही है, उसके चेस्ट का भी ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मैं तो एकदम पतली हूँ और ना तो ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। तो उसने एक पकड़ लिया कि एक कॉम्प्लेक्स हो गया उसको कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही उसने ये कॉम्प्लेक्स पकड़ लिया, उसके बॉडी में और गड़बड़ आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे मतलब 2-3 महीने उसका मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन किया, काउंसलिंग किया, टुडे शी इज नॉर्मल एंड शी इज सो ब्यूटीफुल टू, राइट? तो आपको समझ में आता है कि ये मतलब जो हॉर्मोन्स है वो कितना अपने पे मतलब वो उसका इफेक्ट है, और हम खुद उसको नेगेटिव कमांड देके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर अपनी लड़कियों को मतलब डॉक्टर डॉक्टर घुमा के कि 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए, 3 महीने से नहीं आए, पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है उसको, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, जी समझ में आता है? तो मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं निकलेगी, 99% पैथोलॉजी इस बच्चों में नहीं होती। ओके तो अगर आपने पीरियड्स को बहुत पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस किया, आपकी लड़की के पीरियड्स को एक्सेप्ट किया, और जो भी बेटियां सुन रही है, आपने खुद भी उसको एक्सेप्ट किया, राइट, तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आपको पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के। ओके ठीक है, तो ये पीरियड्स की जब स्टार्टिंग होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको परसीव कैसे करते हो, लेते कैसे। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स के साथ आपके हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं। मैंने जैसे बताया कि एस्ट्रोजन करके हॉर्मोन है जो पीरियड्स के आने के बाद अपने बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है, और एस्ट्रोजन को फेमिनाइन हॉर्मोन बोलते हैं, और इसीलिए अपने जो भी फेमिनाइन स्ट्रक्चर है, ब्यूटी ग्लो, फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब एस्ट्रोजन की वजह से स्टार्ट होता है। तो अगर आप हैप्पी है, आपकी उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए आप खुश हैं, तो एस्ट्रोजन बहुत हाई रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन हाई होता जाएगा, डे बाय डे आप ब्यूटीफुल होते जाएंगे। और अभी लड़कियों के साथ मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस ग्लो करे, उस पे पिंपल्स नहीं आए, तो आपके एस्ट्रोजन को हेल्दी रखो, क्योंकि जब एस्ट्रोजन की मात्रा सही होती है ना, तो आपके फेस पे ग्लो आ जाता है, पिंपल्स नहीं आते, और आपका मतलब जो एक स्त्रीत्व जिसको बोलते हैं, एनर्जी जो खिलती है ना, वो पूरा एस्ट्रोजन से खिलता है, और अगर एस्ट्रोजन कम है तो डलनेस, पिंपल्स, ये सब आपको आ जाएगा। और आगे जाके अगर आपको आपका फर्टिलिटी अच्छा रखना है, आजकल हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी को लेके बहुत सारे इश्यू है, लोग IVF टेस्ट ट्यूब पे जा रहे हैं, तो अगर अभी से आपके एस्ट्रोजन को आपने अच्छा बना के रखा, आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, यू कैन कंसीव नेचुरली,
आपको कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका इस्ट्रोजन सही है तो। ठीक है, तो ये इस्ट्रोजन को सही कैसे रखा जाता है, जी क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहले तो हमने एक्सेप्ट किया नंबर वन, नंबर टू कि इस्ट्रोजन की मात्रा को हम हेल्दी कैसे रख सकते जी हैं। देखो, ये दोनों को, दोनों जनरेशन को ध्यान से सुनना है, मदर को और लड़कियों को, क्योंकि मैंने जब ये स्कूल में बात की थी, लड़कियों को बताया कि घर का खाना खाना है और लाइफस्टाइल ऐसे चाहिए, तो लड़कियों ने शेयर किया कि मैडम अगर मम्मी अच्छा खाना घर पे बना देती है तो हमको बाहर नहीं खाना, लेकिन मम्मी को आता ही नहीं है कि हेल्दी फूड कैसे बनाए। ओ और उसने लिटरली, दीदी यू वॉन्ट बिलीव, कि वो लड़कियां प्रिपेयर थी, वो बोल रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी एक क्लास मम्मियों का रखो और उसको रेसिपी सिखाओ। ओके मैंने जो उसको हेल्दी रेसिपी शेयर की तो बोले हमारे मम्मी को ऐसा नहीं आता है, ओहो ये ऐसा हमें घर पे बना देते हैं, हमको बाहर का, हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। ठीक ओके है, तो इसीलिए आप जो भी बैठे हैं ना मदर्स, वो भी ध्यान से सुनना कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर का खाना नहीं खाए तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि घर पे हेल्दी फूड हम कैसे बनाएं ताकि हमारे लड़की बच्चों को बाहर खाने का मन नहीं। और दीदी आप भी रेसिपी इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी हमारी लड़कियों से काफी रेसिपी शेयर करते हैं कि जी हेल्दी बहुत टेस्टी बनता है, हाँ जी और आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ना, हाँ जी है ना, मतलब हमको मौका मिल। हाँ पूरा जो अपन को परफेक्ट चाहिए ना, अब हाँ उनके टेस्ट के, बच्चों को एक चीज से प्यार होता है, एक है टेस्ट और दूसरा वो लुक्स में कैसा होता है, इससे ज्यादा हाँ आगे समझ नहीं होते, तीसरा होती है वैरायटी। सही बात है। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालते तो ये तीनों चीजें हम इजीली कर पाते हैं हेल्दियर ऑप्शंस के साथ में। यस दीदी, हमको अगर मौका मिला आगे जाके तो हम इन लोगों के साथ कुछ हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करेंगे, डेफिनेटली ठीक है ना। हाँ, तो आपका खाना, बच्चों ध्यान से सुनना कि आप जो अभी आपकी एज है, हमें पता है कि सुबह से शाम तक कॉलेज में या ट्यूशन में आप लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो बाहर का खाना खाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और पहले तो कुछ भी बेटर था, आजकल तो मतलब लोगों की जो मेंटालिटी बन गई है कि वो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं कि आपको हेल्दी खाना परोसे, उन लोगों को एक ही इंटरेस्ट है कि वो कैसे मुनाफा ज्यादा कमाए, राइट। तो आप अगर बहुत बार बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, देखो उसमें वो लोग जो यूज करते हैं ना केमिकल्स, दे इम्बैलेंसेस योर हार्मोनल सिस्टम, जी ठीक है, कि वो लोग उसमें जो मतलब सपोज पहले ब्रेड बनते थे फर्मेंटेशन से, कि आज रात को वो आटा बनाया, कल वो फूल गया और उसमें से ब्रेड बनाया, जी ठीक है, आज ऐसा नहीं होता। आज क्या होता है, आटा लिया, पानी नया और एक केमिकल आता है लिक्विड, उसमें दो ड्रॉप डाले, तुरंत ही फर्मेंटेशन, राइट। तो ये केमिकल देखो वो सब में ऐसा है, कलर जो है आपका, जो फूड कलर, फूड कलर हम लोग यूज करते हैं बाहर, सभी पंजाबी डिश में फूड कलर यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं, पंजाबी में अजीनोमोटो, विनेगर और सोया सॉस यूज करते हैं, जी ये सब केमिकल्स ऐसे हैं, मैं उसको केमिकल्स ही बोलूंगी क्योंकि उसमें कोई नेचुरल कंटेंट अब रहे ही नहीं, सब सिंथेटिक हो गया है, जी राइट। तो ये सब केमिकल्स आपके बॉडी की हार्मोनल सिस्टम को डैमेज कर रहा है। ओके तो जितना जल्दी, आपकी एज है मैं मना नहीं करती, आप खाओ, आप टेस्ट के थोड़े अट्रैक्ट, टेस्ट से अट्रैक्ट होते हो, लेकिन वो खाना सबसे अच्छा है खुद बनाना सीख लो, जी ठीक है। और मदर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बनाना सीख लो। देखो सबके मॉडिफिकेशन है, सिर्फ आपको वो दरवाजा खोलना है कि मुझे पिज्जा भी बनता है, फ्रेंकी भी बनती है, बर्गर भी बनता है, मंचूरियन भी बनता है, विदाउट यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, हाँ जी विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, लेकिन अगर ये बंद करेंगे ना तो ये क्या बना कर या यूज करके ये बना सकते, वो रास्ते खुलेंगे। जी बिल्कुल तो सबसे पहले आपका फूड हैबिट चेंज करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, टाइम पे खाना शुरू करो। आजकल लड़कियां, आप लोग है ना, टाइम पे खाते नहीं है, ट्यूशन जल्दी है, स्कूल जल्दी जाना है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता। देखो अपना जो भारतीय परंपरा है, और डिटेल में आगे अगर हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो जाएंगे, अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि सुबह में राजा की तरह, दोपहर में प्रजा की तरह और रात को भिखारी की तरह खाना है। मतलब आपका मॉर्निंग का नाश्ता बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, आजकल आप सब दूध पी के निकल जाते हैं।
राइट, तो अपनी लड़की को लड़कियों को आदत डालो, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी रात जो वेयर एंड टेयर रिपेयर हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा हेल्दी फूड उसको मॉर्निंग में चाहिए, राइट। तो धीरे धीरे उसको आदत डालो, जो भी पसंद है उसको बना के दो, लेकिन मॉर्निंग का फूड अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, राइट। उसके बाद दोपहर में वो जब भी स्कूल ट्यूशन से आते उसको जो पसंद है गर्म नाश्ता बना दो, राइट। और रात को उसका जो भी अपना रूटीन बनता है वो खाने की उसको आदत डालनी। थोड़ा मम्मी को भी एफर्ट लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने 10-11 बजे हस्बैंड का टिफिन बनाया है, लड़की 3 बजे ट्यूशन से आती है तो वही खाना परोस दिया, 4 घंटे के बाद वो खाना बासी खाना हो जाता है, और बासी खाना खाने से हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आप आपकी लड़की की हेल्दी लाइफ देखना चाहते हैं ना, तो लड़की के खाने पे आप ध्यान दो, हेल्दी फूड दो और फ्रेश फूड दो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, लेट होने वाला है, पूरे फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किन को आपको हेल्दी बनाना है, आई प्रॉमिस कि आपको फेशियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स आप खाते हो तो, क्योंकि हम सबको लागू होता है जी बिल्कुल। लेकिन लड़कियों को इसलिए बोल रही हूँ कि ग्रोइंग एज है, सेल्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जी। तो फूड के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल। दीदी आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की पढ़ने की आदत क्या हो गई है, पता है, रात को देर तक पढ़ते हैं। एक्चुअली ये नया कंसेप्ट चला है, क्रिएटिविटी रात को ही आती है। रात को देर तक पढ़ते रहते हैं और फिर सुबह में लेट उठते हैं, या तो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं अगर स्कूल ट्यूशन जल्दी है तो। जी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का जो सबसे बेस्ट और इजी तरीका है ना, वो प्रॉपर स्लीप है, ठीक है। अगर आपकी नींद सही है तब भी आपके हॉर्मोन्स हेल्दी रहेंगे, राइट। ये सभी फीमेल को लागू होता है जी, राइट। तो अगर आप, और देखो हॉर्मोनल सिस्टम का जो मतलब वेयर एंड टेयर रिपेयरिंग का जो टाइम है ना, वो है रात को 10 बजे से, वो रात को 10 बजे से स्टार्ट होता है। लीवर काम करता है 2 बजे तक, और उसके बाद पूरा बॉडी काम करता है सुबह 4 बजे तक, ठीक है। तो अगर आप 10 से 4 सोते हैं तो मिनिमम 6 घंटे की स्लीप हो गई, बच्चे हैं तो 10 से 6 सो सकते हैं जी, राइट। तो एक हुआ कि प्रॉपर टाइम पे सोना, अगर लेट सोते हो आप घंटे उतने ही रखो, 10 की जगह 12 सोए और फिर 8 बजे आपने बोला, मैं आप पकड़ेंगे कि 8 घंटे सोने के लिए बोला मैडम ने, तो हमने 8 घंटा नींद कर ली। लेकिन दीदी हमने, और आप जो भी बैठे हैं सबने महसूस किया, दीदी हमने महसूस किया ना कि लेट सो के लेट उठते हैं तो दूसरे दिन हमारी एनर्जी अलग होती है, जल्दी सो के जल्दी उठते हैं तो एनर्जी अलग होती है। तो आप खुद भी ये महसूस कर सकते हैं, मुझे भी ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फील करते हैं। तो कुछ तो हमको अवेयर होना है, समझना है कि कुछ तो पॉजिटिव है जल्दी सोने से जल्दी उठने के लिए, राइट। और दूसरा दीदी ने बोला एक रॉन्ग कंसेप्ट पकड़ा है कि रात को क्रिएटिविटी होती है जी। देखो रात को है ना तमस बढ़ता है, सुबह में सत्व होता है, दोपहर में रजस होता है और रात को तमस होता है, ठीक है। तो आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि मुझे नया आइडिया आता है, लेकिन ये बहुत गहन बात है, अगर मैं पूरा समझा सकूं मुझे नहीं पता मैं कितना डेप्थ में समझा पाऊंगी। रात को आप जो भी करते हैं ना वो सिर्फ एक एक्टिविटी बन के रह जाता है, वो लाइफ में कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि तमस में किया हुआ काम आपकी अस्तित्व में नहीं जाता, वो लाइफ में अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो रात को आप पढ़ पढ़ के मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज को लाइफ में कभी यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर द श्योर। ये अपने शास्त्र में इसके ऊपर बहुत डिटेल में लिखा है, क्योंकि माँ सरस्वती रात को नहीं जगती, और जब तक माँ सरस्वती तथास्तु नहीं बोलते आपको मतलब नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिल सकता। तो हमको भी ये आदत डालनी है कि हमारे जो भी काम है, अगर आपको चाहिए कि इतना काम पेंडिंग है, टाइम पे सो जाओ, सुबह में उठ के वो काम कंप्लीट करो। और जो भी बेटियां सुन रही है, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप पूरा जीवन हेल्दी जीना चाहते हैं ना, आप आपकी हैबिट बना लो कि आपको सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के ही पढ़ना है। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था 2 नीट के बच्चों पे, उनकी आदत थी कि रात को जगते थे 2-3 बजे तक और सुबह में सोते रहते थे,
क्योंकि प्रैक्टिकली 1 month में, मैंने 1 month के बाद उनका चार्ट मंगवाया था. क्या दिया था उसको होमवर्क में, ब्लैक तिल ऑयल से एवरीडे मसाज करना है. क्योंकि हमको पता है ब्लैक तिल ऑयल से अपना वायु शमन होता है, और जब वायु कम होता है तो मन शांत होता है, मन शांत होता है तो जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी याद रह जाता है. ठीक है. दूसरा दिया था पद्म साधना करना, क्योंकि पद्म साधना जब करते हैं तो आसपास का वातावरण हमको इतना इफेक्ट नहीं करता. तो बच्चा आज इमोशनली डिस्टर्ब हुआ तो आज पढ़ने में ध्यान नहीं है, कल ठीक है तो कल पढ़ लिया, मतलब अप एंड डाउन होते हैं उसके. राइट. तो एक दिया तिल ऑयल मसाज, दूसरा दिया पद्म साधना, राइट, और तीसरा दिया कि रात को सोने से पहले नहाना है और 10 बजे मैक्सिमम सो जाना है. उठ के सुबह, आजकल के बच्चे क्या करते पता है, बुक लेके सो जाते, उठते ही वापस बुक खोल देते. हाँ जी ठीक है. तो आपको देखो सही में आप चाहते हो ना कि आप जो भी देखो हम पढ़ रहे हैं अच्छे जीवन के लिए, कोई मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे. Okay. तो अगर हम चाहते हैं कि ये ज्ञान हमारे जीवन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाए तो वो ज्ञान हमारे भीतर उतरना चाहिए. राइट. और वो सरस्वती माता की कृपा से ही होता है, उसके बिना मार्क्स आ सकते हैं जीवन में वो ज्ञान नहीं आ सकता, दैट इज फॉर द श्योर. राइट. तो सुबह में उठ के नहा धो के फिर बुक रीडिंग शुरू करना है. ओके. तो दोनों बच्चों ने मुझे बताया कि हमारा जो अवर्स थे पढ़ने के वो कम हो गए, हमको बहुत जल्दी वो याद रह जाता है, और जो एग्जाम में हमें कंप्लेन थी ना कि पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा वो कम जीरो हो गए. ओके. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ऐसी, हाँ ये हैबिट बहुत सालों से आप एक अलग हैबिट में चल रहे हैं तो ये हैबिट डालना डिफिकल्ट है जी. ठीक है. लेकिन आज चलना शुरू करेंगे तो एक दिन तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे. जी डेफिनेटली. तो खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद फील करो और उसके बाद उसको फॉलो करो. तो जो भी मदर्स यहाँ पे बैठे अपने बच्चे को देखो ऑर्डर मत देना, एडवाइस मत देना, उसको मोटिवेट करना. दूसरा एक चीज ये होता है कि टीनेज के बच्चे को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एज में सिर्फ हॉर्मोन्स चेंज नहीं होते, उसकी भावनाएं भी चेंज होती जी. और यहाँ पे अगर देखो आप अगर समझदार माँ है ना, अगर आप आपकी बेटी को संभाल सकते हैं उसके पूरे जीवन को आप संभाल लें. क्या होता है अगर माँ और बेटी का कनेक्शन अच्छा है, बेटी जो कहती है वो माँ समझ सकती है जी. और उसको एक्सेप्ट करती है. देखो मैं नहीं बोलती एक्सेप्ट करो, मतलब हर एक गलत चीज का भी आप स्वीकार करो. राइट. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मेरी बेटी आज मुझे बोलती है कि मेरे स्कूल के सभी फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हैं मम्मी 10 to 1 के शो में. जी. ठीक है. और बॉयज गर्ल्स सब साथ में जा रहे हैं और मुझे आके बताती है कि मुझे भी मूवी देखने जाना है. ठीक है. तो आप मैं मेरे पास ऑप्शन है नहीं, हम रात को कहीं नहीं जाएंगे और ऐसे बॉयज गर्ल्स साथ में तो कभी नहीं जाएंगे. जी. एक आंसर मेरा ये हो सकता है. क्या किया, उसके इमोशंस को मैंने ठेस पहुंचाई, रेजिस्ट किया और जैसे ये वर्ड यूज किया बॉय गर्ल्स के साथ नहीं जाना है, शी विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉयज. जी. व्हाटएवर यू रेजिस् ट इट विल परसिस्ट. ठीक है. तो अब क्या कर सकते हैं कि उसको बोलो कि बेटा सब हर कोई जा रहा है तो तेरे को भी मन होता है वो, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैं होती तो मुझे भी मन होता. राइट. इतना बोलने पे मदर लड़की क्या फील करती है कि माय मदर कैन अंडरस्टैंड माय इमोशंस. फिर उसको बताओ कि देखो लेट नाइट को बाहर जाना वो हमारे घर की संस्कृति नहीं है, अगर आपको मूवी देखना है हम संडे को आपके साथ चलेंगे, दिन में हम सब जाएंगे. ठीक है. तो ये दो डिफरेंस है और ये माताओं को समझना है. देखो वो उस एज में है क्योंकि अंदर इतनी सारी एनर्जी फूट फूट के बाहर निकल रही है. जी. तो अगर वो बाहर निकल रही है तो उसकी भावनाएं अलग है, और अगर उसकी भावनाएं अलग है तो आपको उसके मोस्टली तकलीफ ये होती है शायद हम भी उसी प्रक्रिया में से पसार हुए हैं. जी. अगर आप आपके उस एज को याद करें तो हमको भी मन होता था फ्रेंड के साथ घूमने जाना, पिकनिक में जाना. ठीक है. तो हमने भी वही फेज पास किया, लेकिन आज हम उसका स्वीकार नहीं कर, बहुत आइडियलिस्टिक हम मानते हैं कि बच्चे को ये नहीं करना चाहिए. तो आपको मन होता था तो आज उसको भी हो रहा. जी.
तो उसका स्वीकार भी करो और उसको प्रेम से सही रास्ता दिखाओ, ठीक है। और अगर आपने ये वाला फर्स्ट वाला आंसर दे दिया कि नहीं जाएंगे, तो व्हाट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। क्या हुआ, एक तो उसके इमोशंस हर्ट हुए कि मदर इज नॉट एक्सेप्टिंग मी, और दूसरा कि आपने रेजिस्ट किया, आप तो वो छुपा छुप के भी जाएगी। तो जहां पे भी अस्वीकार होता है ना, वहां पे झूठ बहुत जल्दी आ जाता है। हमको लगता है ना कि ये मेरी बात का स्वीकार नहीं होगा तो हम झूठ बोलेंगे। सपोज आज मुझे क्लिनिक से लेट हुआ, रात को 10 बज गए, और मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, बोलते हैं हर रोज 8 बजे आ जाती है, 10 क्यों बजे। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, गाड़ी पंक्चर हो गई थी, या तो ये हो गया था, या तो वो हो गया था, ठीक है। तो मैंने झूठ बोलना इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे पता था मेरा जो सही रीजन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या पेशेंट ज्यादा थे, ऐसे पेशेंट थे जिसको मैं मना नहीं कर रही थी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको लगेगा कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ठीक है। तो मतलब ये एक बच्चे झूठ बोलना सीखते का है। देखो आप टीन एज से ही बच्चे झूठ बोलना शुरू करें, उससे पहले झूठ नहीं बोलते कभी। और वो झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हमारे बच्चे गलत है, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस करें, और वो मिस बहुत मतलब क्लियर थियोरी मैं आपको दे रही हूँ। अस्वीकार से झूठ आएगा और झूठ से छुपाना आएगा, एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तो ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। फिर बच्चे की हैबिट बन जाएगी, वो आपसे कभी सच बोलेगा ही। और जब माँ से बच्चा कुछ छुपाना शुरू कर देता है ना, दुनिया उसको कहाँ ड्रैग करके ले जाती है, क्योंकि यहां से अनएक्सेप्टेंस है ना, अब उसके फ्रेंड्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, फिर फ्रेंड्स बोलेंगे ना मूवी चलते हैं, क्लब चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वो सही सभी जगह पे जाएगी आपकी बेटी। और वहां किस माहौल में क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप देखो आप उसको पूछ भी नहीं पाएंगे कि तेरे फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपको चेक करना है ना कि आप उसकी सही मदर है कि नहीं, आप उसकी सब फ्रेंड्स को पहचानते होते, सभी फ्रेंड्स फील करती, फ्री फील करती आपके घर आना, ठीक है। उसको बोलना है, वो बोल रहे कि डिनर पे जाना है, अच्छा बोलो बेटा आपको क्या खाना है, चलो हम हमारे घर पार्टी करते, ठीक है। तो सब आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसके सब फ्रेंड्स आपके साथ एंजॉय करें। अगर आप बोलते हैं ना कि एक एज के बाद हमें लड़कियों के साथ फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, जी तो अगर आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा तभी आपकी लड़की आपके साथ फ्री। देखो उसके साथ फ्रेंड्स के साथ उसको एडवाइस देना, उसके फ्रेंड के साथ उसको बहुत आइडियल बना के रखना, ये उसके कॉन्फिडेंस को लो करती, क्योंकि बाद में क्या बोलेगी उसकी फ्रेंड्स, तेरी माँ मम्मी तो ये बोलती है वो बोलती है, और तू भी कैसे उसको सुनती रहती, देख मैं तो कुछ नहीं सुनती मेरे मम्मी का। तो एक बहुत मतलब एक साइकिल शुरू हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज करो। तो ये अपना हुआ, चालू हुआ था नींद से, एक तो फूड, दूसरा नींद, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, कि आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत उपयोग करते हैं ना, उसके अंदर से जो भी रेडिएशन, आप देखो फोन गर्म हो जाता है कुछ देर यूज करने के बाद, जी हाँ जी है ना। और लैपटॉप अगर आप लेके बैठते हो ना, आपकी गोदी में लेके बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहां से भी एक हीट जनरेट हो रही है। हाँ जी और मशीन से जो हीट जनरेट होती है ना वो बहुत हार्मफुल होती है। ओके देखो मैं एक आपको बात बताती हूँ, बच्चों जो भी है बहुत ध्यान से सुनना, बड़े लोग भी सुनना। दीदी ने पहले दिन कल आपको बताया था कि आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ गर्भ संस्कार, जी मैं पिछले 12 सालों से गर्भ संस्कार के फील्ड में काम कर रही हूँ। अभी दीदी होता क्या है, हमारे यहाँ जो लड़कियां क्लास में जुड़ती है ना, हाँ जी तो वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ फॉलो करती है, फूड, लाइफ स्टाइल, रीडिंग, म्यूजिक, प्राणायाम, मेडिटेशन, एवरीथिंग, जी ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कई लड़कियों को कि कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है, ओके या तो कंसीव हो जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है। और ये बात मुझे हर्ट करती थी कि मेरी लड़कियां इतना डेडिकेटेड है तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जी और ये क्वेश्चन लेके मैंने एक्सपर्ट को ढूंढना शुरू किया। पुणे में एक है डॉक्टर रेनू महतानी, जो ओके MD फिजिशियन है, और नाउ शी इज अ इंटरनेशनल योग टीचर, ठीक ओके है। तो मैं एक बार अपॉइंटमेंट लेके उसको मिलने गई, और फिर उसको बताया कि मैडम ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसने बहुत रिसर्च वर्क किया था फीमेल के ऊपर। ओके
उन्होंने बताया कि ये जो रूट है ना, वो रूट पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है, तो पहले तो तू एक्सेप्ट कर ले कि ये नॉर्मल है, ये हो सकता है, क्योंकि मैडम को तब लगा कि ये रूट पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. उसने सिर्फ इतना ही बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट कि इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज इज नॉर्मल. आपकी लड़कियों को भी बोलो कि एक्सेप्ट करना सीख जाओ, एक्सेप्टेंस में से इम्प्रूवमेंट आएगा. और आया भी सही कि जितना रेजिस्ट किया उतना तकलीफ बढ़ता गया. जैसे एक्सेप्ट किया, ओके कोई बात नहीं, इस बार मिसकरेज हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा, तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. फिर मैं गई अपने बैंगलोर जो अपने हॉस्पिटल है ना, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो वहां प्योरली एक आयुर्वेदिक गायनेक डिपार्टमेंट है जहाँ सब आयुर्वेदा फॉलो करके डिलीवरी करवाते हैं. ओके. और वहां के मैडम बहुत सीनियर है, आई थिंक शी इज 55 और 60 इयर्स ओल्ड, और 40 इयर्स से अपने हॉस्पिटल से, मतलब कई सालों से हॉस्पिटल से जुड़े हैं. ओके. राइट. तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं आपसे शेयर तो करती हूँ लेकिन काम करना डिफिकल्ट है. बोला कि आजकल मैं जो देख रही हूँ ना कि ये इनफर्टिलिटी आती कहाँ से है, एक्सेप्ट दिस फूड और लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक गजेट से आती. कि ये लड़कियां यंग एज में इतने, और आजकल हम देखते हैं ना कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल ही रहते हैं जी, तो उससे जो रेडिएशन दो हार्मफुल है, एक तो स्क्रीन को आप कंटिन्यूस अगर देखते रहते हैं ना, तो आपके ब्रेन में जो इरिटेशन होता है उससे आपकी हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होती है. ओके. और दूसरा, हम या तो फोन, देखो हम फोन कहाँ पे रखते हैं, अपने गोदी के पास ही, अपने जेनिटल ऑर्गन्स के पास ही, लैपटॉप भी वहीं रहता है, फोन भी वहीं रहता है, ऐसे हम फोन नहीं यूज करते, ऐसे ही हमारे पास नीचे ही रहता है. ठीक है. तो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो भी आपके जेनिटल, हमको पता है जहां पे भी हीट प्रोड्यूस होती है वहां सब कुछ बिगड़ जाता है. विंटर में 4 घंटे दूध बाहर रखो और समर में 4 घंटे दूध बाहर रखो, फर्क होता है ना. हाँ जी. राइट. तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है, उसके जो ओवरीज है, उसका जो ऑर्गन्स है, वो भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, और दैट्स व्हाई गर्ल्स आर नॉट एबल टू कंसीव. और अगर कंसीव कर लेते हैं तो उसका जो है घर है बच्चे का, यूट्रस जो है वो इतना वीक है कि उसको कैरी नहीं कर सकता. और तब आई वुड लाइक टू शेयर कि तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता. ये तो भगवान की कृपा है कि मर्मा मिला है तो हम उसको कुछ हेल्प कर सकते. हाँ जी. लेकिन अगर ये जनरेशन, तभी से दीदी हमने स्कूल कॉलेज में काम करना शुरू किया बैंगलोर से आने के बाद. ओके. कि यहाँ से लड़कियों को, मेरा जो प्रॉब्लम है उसका रूट यहाँ है जी, और यहाँ से इसीलिए लड़कियों से काम करना शुरू किया. कि अब लड़कियां, आप देखो, आपको अभी लगता है कि ओ मम्मी बनना तो बहुत देर की बात है ना, सोचेंगे अभी क्या है, उसके लिए मोबाइल क्यों छोड़े जी. लेकिन एक बार शांति से बैठना और देखना कि किसी भी एज में आपका सबसे लाइफ का जो एक ड्रीम होता है ना, वो माँ बनना होता है. मुझे याद है मैं 6th और 7th में थी ना, तब भी मुझे था, मतलब से मेरा ड्रीम था कि मेरे बहुत क्यूट स्वीट दो बच्चे. 6th और 7th में थी तब से. ओके. ठीक है. और ये सभी लड़कियों का होता है. कभी कई सारी लड़कियां शेयर करती है, मैरिज से पहले मैडम मेरा ड्रीम था कि मुझे ट्विंस चाहिए, मैरिज से पहले ही था कि मुझे पहले लड़की ही चाहिए. राइट. मतलब दैट इज इनबिल्ट इन अवर अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस के अंदर ही है वो. जी. ठीक है. तो अगर आप देखो कि अगर जीवन में आप माँ नहीं बन सकते तो आपको क्या महसूस होता है. जी. मतलब वहां तो हमारी पूर्णता होती है, माँ बनने के बाद ही हम पूर्ण फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं. जी. ठीक है. और उसके लिए अगर आज हेल्दी खाना पड़े, टाइम पे सोना पड़े, और मैं नहीं बोल रही कि मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करो, ठीक है, लेकिन मिनिमम यूज करो. आपको मतलब आप गेम में या चैट में या जो भी, अगर फ्रेंड के साथ कुछ कम्युनिकेशन करता है फोन कर लो, ईयरफोन लगा के फोन थोड़ा दूर रख के, ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा. चैट 15 मिनट लेगा, फोन 5 मिनट भी नहीं लेगा. जी. तो थोड़ा मॉडिफाई करो अपने जो काम है ना उसके लिए, और गजेट्स का उपयोग कम करो. अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये गजेट, और तब ये प्रोसेस क्या होती है दीदी, इरिवर्सिबल हो जाती है. हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है. तो मदरहुड के लिए जो फिर कितनी दवाइयां खानी है, कितने इंजेक्शन खाने हैं, और उसके बाद भी आपको जो बच्चा मिला वो IUI टेस्ट ट्यूब है, नेचुरल तो नहीं है. जी. राइट. और अभी आपके हॉर्मोन्स रिलीज है ना, आई जस्ट से कि अगर फीमेल के हॉर्मोन्स रिलीज है ना, उसकी लाइफ खिल जाती.
और मेनोपॉज कहाँ आके चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेनोपोज में उसी को ज्यादा दिक्कत होती है। देखो आज आप जो भी सुन रहे हो और मेनोपोजल स्टेज में है ना, आप देखना आपकी प्यूबर्टल एज कैसी थी, आपके पीरियड्स कैसे थे। अगर आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा। कई लोगों के मेनोपोज आके चले जाते पता भी नहीं चलता, बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर लिविंग हैप्पी हेल्दी हॉर्मोनल लाइफ। ठीक है, तो मदरहुड से और मेनोपोज से आपकी प्यूबर्टी जुड़ी है। और अगर आप मानते हो कि आपके स्त्रीत्व को आपको पूर्ण करना है और आपको एक अच्छा जीवन जीना है, तो आज ही आपको अवेयर होना है आपके हॉर्मोन से और आपकी सिस्टम को बैलेंस करने से। और आप प्राउड फील करेंगे, डेफिनेटली आप प्राउड फील करेंगे। अभी आपको आपके फ्रेंड्स बोल सकते, देखो ना इसके डिब्बे में तो हमेशा ऐसा ही होता है, सिंपल नाश्ता ही होता है। ठीक है, लेकिन आप देखो बोलते ना कि मतलब बीज बोने के बाद तुरंत फ्रूट्स नहीं मिलते जी। जब फ्रूट्स लगना शुरू होते हैं ना, तब आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि तू ये कर रही थी, हमने ये नहीं किया और इसीलिए आज हमको ये सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप अवेयर है ना, तो आप ये अभी से अवेयरनेस के साथ अपना एक तो इमोशंस बच्चों के साथ, मदर का भी रोल है, फैमिली का भी रोल है, अपना फूड, अपना लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये चारों के बारे में अवेयर हो जाए। हाँ भाई दीदी, आपने वो ऑयल मसाज के लिए बोला है ना, तिल ऑयल का मसाज, तो चाहे कोई क्वेश्चन है कि सिर पे करना है कि क्या, मतलब पूरे शरीर पे करना। हाँ देखो, ऑयल मसाज हाथ पैर के, अगर आप हाथ को यहाँ से यहाँ तक करते हैं बहुत ही अच्छा है, पैर को भी पंजे से तलवे से लेके घुटन तक या पूरा पैर करते हो, मतलब पूरे हाथ पैर और कान, अपने जो ये कान होते ना, तो इसके ऐसे कान पे मसाज करना है, हाथ पैर के पंजे और कान, इतना कंपलसरी है। अगर इतने से ज्यादा आपको टाइम है तो पूरा हाथ और पूरा पैर करे और कान करे, और आपके पास टाइम है या तो वंस इन अ वीक आप पूरे शरीर पे भी मसाज कर सकते हैं। और ये मसाज करने अगर आप रेगुलर कर रहे हो ना, तो आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि इससे आपके मन पे क्या इफेक्ट आता है। मैंने प्रैक्टिकल कर रही थी कि आपने आज जैसे होमवर्क आपने बताया कि ऑयल मसाज, फिर पद्मासन, तो हम इन हमारे 5 दिन और सेशंस चलने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ी सारी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं कि जो भी यंग लड़कियां हमारे साथ में जुड़ी हैं, वो आज हमसे एक जेंटल वुमनली प्रॉमिस करें कि वो रात को जल्दी सोएंगी, सुबह में जल्दी उठ करके ऑयल मसाज करेंगे। तो आप उनको अपनी तरफ से होमवर्क दीजिए, तो हम क्या संडे को जो हमारा सेशन हो उसमें वी कैन गेट द ओके फाइन। देखो देखो ये नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि अगर आप महसूस करेंगे ना, तभी आप आपकी लड़की को अच्छे से समझा पाएंगे। तो जो भी सुन रहे हैं, आज का हमारा होमवर्क है कि हमारा सेशन जब तक चलता है संडे, संडे तक हम जल्दी सो जाएंगे, मैक्सिमम 10 बजे। ठीक है, जो भी बेटियां सुन रही है, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी, अभी तो खैर सबके वेकेशन है, लेकिन फिर भी 10 बजे, देखो आपको अगर हैबिट नहीं है ना, तो नींद नहीं आएगी शायद, लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम 10 o'clock सब भी लाइट्स ऑफ कर देनी है, और कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं है, कुछ भी देखना नहीं है। यू जस्ट गो इन अ सुपाइन पोजिशन, जिसको हम शवासन बोलते हैं। ठीक है, दोनों पैर के बीच में 1 फीट का फासला रखेंगे, दोनों हाथ दोनों तरफ, कमर की दोनों तरफ, हेड जो भी कंफर्टेबल साइड है उस पे रोल कर दिया और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो। जब तक नींद नहीं आती ना, पैर से लेके सर तक, पैर से लेके सर तक अपने एक एक बॉडी पार्ट को ट्रैवल करते जाओ। ठीक है, जब तक नींद नहीं आती यही करना है, 1 घंटा, मतलब नींद आ ही जाएगी ऐसा करने से, सिर्फ अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते जाओ। नींद नहीं आती कुछ पढ़ते हैं, नींद नहीं आती कुछ सुनते हैं, नींद नहीं आती कुछ मोबाइल देख लेते, ऐसा मत करना। ठीक है, तो 5 दिन के लिए सब इतना प्रॉमिस दे सकते हैं कि 10 बजे बेड पे चले जाएंगे और जब तक नींद नहीं आती बॉडी को ट्रैवल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सबका हाँ है दीदी, सबके थम्स अप है। ओके वेरी गुड। दूसरा, सुबह में 6 बजे से पहले उठ जाएंगे, सुबह में 6 बजे से पहले उठ जाएंगे और उठने के बाद, उठने के बाद सब हम लोग अपना रूटीन खत्म करके पानी, वॉशरूम जो भी हम खत्म करते हैं, उसके बाद ऑयल मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, ताकि वो ऑयल है ना अच्छे से अपने अंदर डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा बॉडी को वार्म करेंगे।
और उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल मसाज कर, सुबह में ऑयल मसाज करेंगे। दीदी पद्म साधना का क्या करें, उन दोनों बच्चों को तो हमने सिखा दिया था। हाँ जी, तो ये लोग कैसे कर सकते हैं उसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखते हैं, या कुछ इनको सूर्य नमस्कार प्रिस्क्राइब करें तब तक दीदी? सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो सबको आते ही होंगे जी, ठीक है। ओके, सूर्य आप ऐसा करो, सूर्य नमस्कार करो 5 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन सूर्य नमस्कार में स्पीड मत रखना, एक या दो ही सूर्य नमस्कार करना। मतलब एक पोज पे, सपोज ये वाला पोज है तो उसमें अपने लंबी गहरी 3 श्वास लेना, फिर दूसरे पोज में जाना, फिर वहां पे लंबी गहरी 3 श्वास लेनी है, स्पीड में नहीं करना है अपना, ठीक है। ओके दीदी, 3 होमवर्क अपने हुए। हाँ जी, ऑयल मसाज ये वाला जी, और सूर्य नमस्कार रात को जल्दी, ऑयल मसाज और सूर्य नमस्कार, और ऑयल मसाज सूर्य नमस्कार रात को जल्दी सुना है। किसी ने लिखा है कि हेड पे डालना है ऑयल, ये तिल का ऑयल हेड पे नहीं डालना, हेड पे अगर मन को शांत करना है तो ब्राह्मी ऑयल डाल सकते हैं। ओके ठीक है। हाँ दीदी, और कोई चैट में क्वेश्चन है जिसका हमको अभी आंसर करना चाहिए सर, तो आप मुझे बता दो। कई सिमिलर क्वेश्चन थे रिलेटिंग टू द स्टमक पेन्स ड्यूरिंग पीरियड्स। ओके जी, किसी को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, किसी को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके देखो, मैंने सबसे पहले बोला कि पहले तो खुद को अब इंस्पेक्ट करो कि क्या आप ये रेजिस्ट करते हो अपने सिम्टम्स को, ठीक है। तो हमने जो बताया कि उसको एक्सेप्ट करो, उसको उसका स्वीकार करो, राइट। उससे ये सिम्टम्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। और अगर आप ये कर रहे हो उसके बावजूद भी अगर ये है, बहुत कम चांसेस है कि अच्छे से एक्सेप्ट करने के बाद भी आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक आसन है दीदी बटरफ्लाई जी, ठीक है। अगर आप ये तो नेट पे भी डालेंगे, गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ओके राइट। और ड्यूरिंग पीरियड्स 5 दिन के लिए फिजिकल मेंटल रेस्ट करना है, जितना जरूरी है उतना ही स्ट्रेस लो, बाकी आराम करो या तो ध्यान करो। रात को कंपलसरी जल्दी सो जाना है, और जब पीरियड्स चल रहे हैं तब फूड एकदम ही सात्विक खाना है। मतलब युक्तामुखी ने तो बताया था, उन्होंने मेरे साथ एक बार शेयर किया था, युक्तामुखी को ऑलमोस्ट सब जानते होंगे जी, मिस वर्ल्ड 1999। हाँ जी ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे कि वो ड्यूरिंग पीरियड सिर्फ दूध और रोटी ही खाती है, सिंपल मिल्क एंड रोटी, नथिंग एल्स। ओके ठीक है। और मैंने खुद पे ट्राई किया, मेरी कई सारी लड़कियों ने क्लास में भी ट्राई किया, और उन लोगों के पीरियड्स के रिलेटेड काफी इश्यूज सॉल्व हुए। ओके राइट, जितना सिंपल। हाँ दीदी, तो आप जितना सिंपल फूड खा सकते हो ना ड्यूरिंग पीरियड्स, आप, मैं नहीं बोलती कि सिर्फ दूध रोटी खाओ, अगर खा, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए खाया था, दो पीरियड्स 3 साइकिल के लिए, ठीक है। तो लेकिन अवॉइड करो फ्राइड थिंग, फर्मेंटेड थिंग, स्पाइसी फूड, जितना हो सके सिंपल फूड अगर आप खाओ तो देखो आपके सिम्टम्स विदाउट मेडिसिन चले जाएंगे, कई सारी लड़कियों के चले गए। और दूसरा दीदी, मैंने बोला कि हमको एक मर्मा का वरदान मिला है। हाँ जी, तो मर्मा, मेरी 5-6 साल की मर्मा की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ये सिम्टम्स मर्मा के सेशन से 100% चले जाते हैं। एक केस में मैं बोल सकती हूँ 100%। ओके, चाहें कि बच्चियों को पीरियड्स के दौरान ही बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी फूड खाने का मन करता है, तो वो क्रेविंग को कैसे रोका जाए? देखो, जो बच्ची अभी सुन रहे हैं ना, उसको पता चल जाएगा कि उसके हार्मोन्स का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक बॉडी की नीड होती है, एक मन का नीड होता है, राइट। तो अगर आप थोड़े अवेयर हो जाते हैं ना, तो मन की जो नीड है ना, वो अपने आप ड्रॉप हो जाए। और फिर भी अगर क्रेविंग है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि जनरली की कुछ फूड है जो सपोज पीरियड के दरम्यान आपको नहीं खाना है स्पाइस, एक चीज तो के जब लड़कियां पीरियड्स में, घर में बनाओ ही मत जी, स्पाइसी फूड ही मत बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वो सिंपल खाए और हम आइटम बना के खाए। हाँ जी ठीक है। और बाय चांस ऐसा हो जाता है गेस्ट है या बना दिया, तो क्या करना है लड़की को कि जो हेल्दी फूड है, जो उसको खाना चाहिए, पहले वो पेट भर के खा ले,
उसके बाद थोड़ा कम क्वांटिटी लेके आराम से जो भी मन हुआ है वो थोड़ा लेके अलग से बैठे और शांति से चबा चबा के खाए ताकि उसके मन को तृप्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि पहले पेट भर लो, जो खाना है उस फूड से आपके लिए वो ऑप्शन खुला है, आपकी पसंद की आइटम आप खा सकते हो, लेकिन कम लो। और जो भी आपको कम खाना है ना और फिर भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, देखो क्वांटिटी से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आता है सटाइटरी सेंटर्स जो अपने ब्रेन में होते हैं, राइट। और सटाइटरी सेंटर्स को कुछ पता नहीं कि मुंह में क्या है, उसको तो इतना पता है कि आप चबाते कितनी बार। तो जो कम खाना है ना उसको ज्यादा चबाना है, अपने आप आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, आपको वो कचरा ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ओके फाइन दीदी, कल मिलते हैं 5 बजे। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखो आज जो भी बच्चियां जुड़ी है जुड़े रहना और आपके फ्रेंड्स को जुड़ना। मैरिज और करियर, ये बात बहुत ही आजकल लड़कियां उस पे स्ट्रगल कर रही है कि मैरिज फर्स्ट या करियर फर्स्ट, या दोनों को कैसे बैलेंस करें। जी ठीक है, तो उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैक्सिमम यंगस्टर्स अगर इसमें जुड़ सकते हैं, ऑफकोर्स उसके मदर्स के साथ, क्योंकि ये दोनों को समझना जरूरी है। तो मदर्स और बेटियां दोनों साथ में रहेगी ना, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा।